मैं प्रोफेसर डॉक्टर नवजोत तकवीन हूँ और आप सही समझे, मैं आपसे कोरोना के बारे में ही बात करूंगा। डरे नहीं, भागे नहीं, मैंने इनकार बहुत किया लेकिन दोस्तों ने इसरार बहुत किया, तो मैंने सोचा सिर्फ अंदाज बयां रंग बदल देता है, पूरी दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, शायद मेरा मुख्तलिफ अंदाज आपको पसंद आए। What does corona pandemic mean actually? अच्छा देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल आपने एक ही सवाल में डाल दिए। पैन मीन्स सब, डेमोज मीन्स ह्यूमन। ये ऐसी बीमारी है जिसने हर इंसान तक पहुंचना है, फास्ट और स्लो, क्योंकि इसका इसके खिलाफ कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं दुनिया में कहीं भी, तो ये बहुत तेजी से फैलेगा और उसूलन अगर कोई इंटरप्ट न किया गया तो 50% लोग 3 से 4 महीनों में इन्फेक्ट हो जाएंगे पूरे ग्लोब में, इसलिए इसको कहते हैं पैंडेमिक। अब चूंकि ग्लोबल विलेज है तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बहुत तेज हो गई है, तो ये भी बहुत तेजी से फैलेगी। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लॉकडाउन जो कि अभी हो रहा है? ये अगेन नॉट इजी टू आंसर, इसमें कोई सही रास्ता नहीं है। अब मसला यह है कि लोग चाहते हैं कि पैंडेमिक में बीमार भी न हो और वफात भी न हो, जो मुमकिन नहीं है। पैंडेमिक कोई मामूली चीज नहीं होती और जब ग्लोबल विलेज में हो तो बहुत ही गैर मामूली हो जाती है। अब इसका तरीका बहरहाल यह है कि या इसका वैक्सीन हो या क्योर हो या कम से कम 50% लोग इन्फेक्ट हों, तो तब यह बीमारी जाके रुकेगी। लेकिन अगर हम लोगों को इन्फेक्ट होने के लिए छोड़ते हैं तो बहुत सारे लोग एकदम बीमार हो जाएंगे, बहुत सारे लोग एकदम वफात हो जाएंगे, जो न पॉलिटिकली सूटेबल है, न इकोनॉमिकली, न फिजिकली, बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर क्रिएट होगा। अल्टरनेट यह है कि लोगों को बंद कर दें, जब बंद कर देंगे तो जाहिर है जब लोग निकलेंगे नहीं तो इन्फेक्ट नहीं होंगे, जब इन्फेक्ट नहीं होंगे तो बीमार ज्यादा नहीं होंगे, जब बीमार नहीं होंगे तो वफात नहीं होंगे, तो हॉस्पिटल्स पर लोड कम हो जाएगा। बेसिकली ये एक तरीका है कि आप टाइम बाय करते हैं, उस टाइम में फिर आप हॉस्पिटल्स बनाते हैं, अपने आप को इक्विप करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, लेकिन कोरोना का वैक्सीन कम से कम 1.5 साल तक नहीं है। जब 1.5 साल तक नहीं है तो 1.5 साल तक अगर आप लोगों को लॉकडाउन रखेंगे तो वो कैसे मुमकिन है? मतलब नेचुरली 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन आखिर लोग बाहर निकलेंगे, किसी के पास पैसे खत्म हो जाएंगे, किसी के पास खाना खत्म हो जाएगा, किसी को और कोई मसले होंगे। कोई मुल्क भी दुनिया का 1.5 साल तक लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जैसे ही लॉकडाउन से आप बाहर निकलेंगे वायरस आपका इंतजार कर रहा होगा, तो जिधर से सिलसिला टूटा था उधर से पेड़ जुड़ जाएगा, अगेन इट विल अटैक यू, फिर सारा किस्सा शुरू से शुरू हो जाएगा, फिर आप पैनिक में लॉकडाउन करेंगे, फिर लोग बाहर निकलेंगे। तो बड़ा मशहूर किस्सा है 100 प्याज और 100 जूतों का, कि एक बादशाह ने आदमी को सजा दी कि 100 प्याज खाते हो या 100 जूते खाते हो, तो उसने कहा जूते खाना मुश्किल है, तो कहा प्याज खाता हूं, तो पहले 2 प्याज खाए, फिर कहा प्याज खाना तो बहुत मुश्किल है, कहा नहीं जूते खाता हूं, तो 2 जूते खाए, फिर जूते मुश्किल से खाए, तो कहने फिर प्याज खाता हूं, इसी तरह आखिर में 100 प्याज भी खा लिए, 100 जूते भी खा लिए। तो अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो उसे मेंटेन नहीं कर सकते, अगर हम लॉकडाउन छोड़ते हैं तो उसे सस्टेन नहीं कर सकते, तो इसमें कोई सही रास्ता सिरे से है ही नहीं। तो जब सारे रास्ते गलत है तो कोई ना कोई गलत रास्ते पर तो जाना ही होगा, बीच में तो कोई रास्ता नहीं है। मेरे ओपिनियन के मुताबिक इस मामले में कम से कम हमारा वजीर आजम ठीक है कि सोशल लॉकडाउन करे, सोशल डिस्टेंसिंग करे, क्लीनिंग करे, हाथ धोए, मास्क पहने, लेकिन लॉकडाउन इस मसले का हल कम से कम हमारे मुल्क में नहीं है। अच्छा, व्हाट टू डू विद ऑल द फियर रिगार्डिंग द एंटायर कोरोना सिचुएशन? देखिये, फियर तो होगा, आप घर में बंद है और टीवी पे सिर्फ कोरोना है, मुझे भी ख्वाब में सिर्फ कोरोना ही नजर आता है, तो जाहिर है मैं डॉक्टर हूं, मुझे आता है तो आपको तो खामा खाएगा। फियर नेचुरल है लेकिन बहुत सादी सी बात है, इसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते। फियर इस वजह है कि लोग चाहते हैं कि पेंडेमिक भी हो, उसमें बीमार भी ना हो और वफात भी ना हो, जो मुमकिन नहीं है। लोग ये सुनना नहीं चाहते, लीडर ये कहना नहीं चाहते, तो बीच में कन्फ्यूजन सी बनी हुई है। लेकिन बहरहाल तदबीर करना, ये
तकदीर का मंशा है, लेकिन आखिर में होता वही है जो अल्लाह को मंजूर हो। सिर्फ उसी ने कोरोना से मरना है जिसने कोरोना से मरना है, बाकी किसी ने भी नहीं मरना। एहतियाती तदाबीर अपनी जगह पर, तकदीर अपनी जगह पर, मुसलमान के साथ खौफ सूट नहीं करता। तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन? आउटकम तो देखे, पेंडेमिक इसलिए नहीं आता कि कुछ भी ना करे, और ग्लोबल पेंडेमिक ग्लोबल चेंजेस करेगा। लोग इन्फेक्ट भी होंगे, लोग बीमार भी होंगे, लोग वफात भी होंगे, और बहुत ज्यादा माली नुकसान भी होगा। दुनिया कोरोना के बाद ऐसी नहीं रहेगी जैसे है। पहले हम बीसी और एसी बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट कहते थे, अब हम बीसी और एसी बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना कहेंगे। लेकिन वर्ल्ड विल चेंज, कितनी चेंज होगी इट डिपेंड्स ऑन व्हेन द वैक्सीन विल कम। अब ये कोई सैलाब नहीं है, कोई तूफान नहीं है कि 5-10 दिन में गुजर जाएगा। कोरोना अब हमारे साथ ही रहेगा, और हमने कोरोना के साथ रह के जीना सीखना है, और वैक्सीन 60-150 तक नहीं है। चेंजेस बहुत होंगी, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। सही तरीका यह है कि ट्रस्ट यूर लीडर्स, क्योंकि इसमें अगर आप मुझसे कहें कि आप फैसला करें कि क्या करें, तो मैं नहीं कर सकता। इसलिए कोई ना कोई फैसला किसी ने करना है, और जिसने जो भी फैसला किया वो गलत होगा। तो चूंकि हर फैसला गलत है, तो इसलिए किसी फैसले पर एतराज नहीं करना चाहिए। बस सपोर्ट योर लीडर एंड सपोर्ट योर टीम। एंड आवर फाइनल क्वेश्चन, अ वेरी फेमस वन, एज अ मुस्लिम वी शुड कंसिडर इट एज अजाब और एन इम्तिहान ऑन अस। देखिए, अल्लाह ताला कंटिन्यूटी है, वो एक चीज नहीं है। बिल्कुल आप दो एक साथ खड़े हैं, एक पे अजाब होगा, एक पे इम्तिहान। वो खालिस आप पे डिपेंड करता है। अगर तकलीफ में आपको अल्लाह याद आता है, ये इम्तिहान है। अगर तकलीफ में आपसे अल्लाह भूल जाता है, यह अजाब है। तो ये बेवक्त इम्तिहान भी है और अजाब भी है। जिनसे अल्लाह भूल गया है उन पर यह अजाब है, जिनको अल्लाह याद आ गया है उनका यह इम्तिहान है। तो अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको अल्लाह याद आ गया तो इम्तिहान, अगर अल्लाह भूल गया तो अजाब। थैंक यू वेरी मच।